नारायण का खान का मीठा पानी का कड़वा लिए, ठीक है, 70 रुपए किलो है, 70 रुपए किलो, 350 रुपए दड़ी, बेहतरीन है। माशाल्लाह अभी रमजान को यह रेट कम हुआ सर, नींबू का रेट बताओ। नींबू 150 रुपए किलो, 150 रुपए किलो होलसेल के दाम पे, होलसेल के दाम देख ले कितने अच्छे कागजी नींबू है मेरे ख्याल में, ये कागजी नींबू है, कागजी नींबू है, कहते हैं इसे कागजी नींबू है। बाहर मैंने पाव के रेट लिए थे 160 रुपए, तो आप लोग देख ले वाकई हराम पोरी हो रही है। इतने कुछ बेशरम लोग हैं, उनको इतनी शर्म दिलाओ, शर्म नहीं आती है बाहर, ये तो शर्म की बात हो हमारे लिए नहीं है, क्योंकि ये तो पाकिस्तान है और दूसरा रमजान है और हमारा मुल्क भी अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान लोग हैं, तो मुसलमान पैकेज को जरूर लगाएंगे ना रमजान की। बिल्कुल, अच्छा आपने भी रमजान पैकेज लगाया, शर्म कर लो भाई आप। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो भाई रमजान शुरू हो चुका है और महंगाई अरूज पे हो गई है, तो वही बात है मेरी जो मैं हमेशा कहती हूँ, हरामखोर जो है वो हरामखोरी कर रहे हैं, उनका कुछ भी नहीं जा रहा। बाहर मैं रेट लेकर आई हूँ, आप यकीन करें मेरा दिमाग घूमना शुरू हो गया कि क्या रेट दे रहे हैं, ये मुसलमानों का हाल है। और भाई अपना नहीं तो अपने मुसलमान भाइयों का ख्याल कर ले, कुछ तो शर्म कर ले। बाहर पे आज 300 से ज्यादा सेल, 300 से भी ज्यादा रेट लगाए हुए हैं, किलो की बात कर रही हूँ मैं, 5 किलो की बात नहीं कर रही। यहाँ पर रेट काफी मुझे उससे तो कम ही लगे हैं, लेमन में मैंने देखा तो उसमें भी बहुत ज्यादा, वो रेट में अभी आप लोगों को बताऊंगी। मेन चीजें जो है आलू प्याज लहसुन अदरक टमाटर लेमन वगैरह, उसके मेन मेरा फोकस है आज। चलिए चलते हैं रेट लेते हैं और फिर आपको बताते हैं क्या चल रहा है। अच्छा जी, ये लेमन आप लोग देख सकते हैं, जितना मैं एक पाव की कीमत पता करके आई हूँ सब्जी मंडी में, मुझे 1 किलो मिल रहे हैं यहाँ पे, तो आप लोग देख लें। टमाटर 160-200 तक मुझे मिले हैं, यहाँ पर देखते हैं कि क्या रेट चल रहे हैं। अभी मैं आई हूँ यहाँ पर, काफी ज्यादा रश है, जाहिर है लोग परेशान होंगे तो दूर दूर से आते हैं यहाँ पे सब्जी लेने के लिए, उनको फायदा होता है, तो मैंने भी सोचा कि अभी के क्या रेट चल रहे हैं वो अपने व्यूअर्स को बताते हैं। आज मेरे साथ जी खान भाई, रेट बताएं लहसुन के, ये दो, ये मेरे ख्याल में चाइना लहसुन है, ये चाइना लहसुन कितना चल रहा है अभी? ये चाइना लहसुन है आजकल 550 रुपए किलो, 550 होलसेल रेट बता रहे हैं आप। और वो जो है देसी, ये देसी लहसुन है, नवा लहसुन आ रहा है अभी, हरा लहसुन भी है लेकिन अच्छा लहसुन है, चाइना से मोटा भी है, चाइना से स्पेशल भी है, ये 400 रुपए किलो, 400 रुपए मतलब के 100 रुपए पाव मिलेगा। बाहर आप अगर 100 रुपए का मांगेगे तो मेरे ख्याल में ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा। अदरक का रेट बताएं, अदरक देसी अदरक है 450 रुपए के, 450 मतलब 100 रुपए पाओ ये भी मिल जाएगा, देख ले कितना अच्छा अदरक, तो देखे आप जरा देसी अदरक। तो मैं फिर ना बोलूं कि बाहर खुली हरामखोरी हो रही है, हम मैं अभी रेट लेकर आई हूँ गुलशन वाली साइड में, तो ये क्या चल रहा है भाई? रमजान में एहतराम कर ले, रमजान का एहतराम कर ले, कुछ हम मुस्लिम ममालिक में रह रहे हैं वो तो बात। अब मैं आप लोगों को मेन चीजें जो आपको होता है घर में जरूरत होती है, आलू प्याज की तरफ हम लोग आए हैं। और भाई से देखें यहाँ पे कितनी बल्क क्वांटिटी में होता है इनके पास, और मॉर्निंग से स्टार्ट है। भाई रेट बताइए प्याज के क्या चल रहे हैं? प्याज के तो मुख्तलिफ रेट चल रहे हैं, ये जो है ना जी, ये 160 रुपए किलो भी मिलते हैं, 160 रुपए किलो, 200 वाला भी इसमें, 250 वाला कहाँ है, ये क्वालिटी क्वालिटी के फर्क है, ये 250 रुपए किलो है, ये 250 रुपए किलो सबसे अच्छा है, ये सबसे आला प्याज, सबसे आला। अच्छा मैंने इतना मतलब नॉर्मल सा भी नहीं था वो, मैंने 260-280 रुपए किलो लिया था, मतलब 300 तक चल रहा है प्याज का, सबसे आला क्वालिटी का जो प्याज है वो उन्होंने बताया 250 रुपए। तो फिर मैं वही कहूंगी, बार बार बोलूंगी तो लोग फिर मेरे पीछे पड़ जाएंगे, हरामखोरी हो रही है, खुली हरामखोरी हो रही है। और आलू के रेट भी बताएं, आलू का ये 55 है, वो 45 तक बेचते, 55 और 45 भाई, ये भी इसमें भी चल रहा है 80-90 रुपए चल रहा है किलो। और ये जो अच्छे मीठा और फीका है, फीका है, फीका दोनों फीका है, ठीक है 45 भी चल रहा है और 60 कह रहे हैं हम। ये बाहर से लोग आते हैं हमारे को बोलते हैं बाहर भी रेट मिलते हैं, और मंडी आने का फायदा नहीं है। नहीं, मैं भी रेट लेकर आई हूँ, वहाँ पे तो 80-90 मिल रहा है प्याज, 300 रुपए तक मुझे मिली है, 250 रुपए सबसे अलग, और वो प्याज इतनी अच्छी भी नहीं थी, खराब प्याज थी। अच्छा आपको ये भी बता दूं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो फेक थंबनेल पे लिख देते, तो अभी मुझे एक खातून मिली थी, उन्होंने मुझे कहा कि यूट्यूबर आप भी ऐसी वीडियो तो नहीं बना रही, मैंने कहा आप ले ले जहाँ से, मैंने भी आलू लहसुन अदरक का रेट लिया, मैंने उनको भी लेके दिया, वो वीडियो में आना नहीं चाह रही थी वरना उनसे मैं बात करती। तो काइंडली यूट्यूबर हजरात से मेरी गुजारिश है कि आप ऐसी फेक न्यूज़ मत लगाया करें, लोग परेशान होते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, उन्हें यहाँ पे वो रेट नहीं मिलते। आलू प्याज के अलावा मैंने सोचा कि बाकी जो सब्जियां हैं यहाँ काफी फ्रेश सब्जियां हैं, खान भाई से पूछते हैं रेट क्या चल रहे हैं। भाई रेट बताइए, काफी सब्जी नजर आ रही है, माशाल्लाह अभी रमजान को रेट कम हुआ है, सब्जी कम हुआ है, चले बताएं। मटर जो है ना 80 रुपए किलो, 80 रुपए किलो हो गया जी मटर, 400 का 5 किलो, हाँ बिल्कुल, अदरक 450 रुपए किलो, 450 रुपए, लहसुन 450 रुपए किलो, ठीक है।
नींबू देसी वाला 250 रुपए किलो, 250 रुपए किलो, ठीक है। यहाँ पे भी डिफरेंट प्राइस है। शलजम है 60 रुपए किलो, ये 150 रुपए किलो है, 50 रुपए किलो टिंडे, और लौकी 50 रुपए किलो है, मारू 80 रुपए किलो है, बंद गोभी 80 रुपए किलो है, खीरा 80 रुपए किलो है, ये 200 रुपए किलो है, गाजर 50 रुपए किलो है, गाजर 50 रुपए, माशाल्लाह। धनिया पुदीना जो 10-10 रुपए गड्डी है, अच्छी वाली बड़ी गड्डी है, 10-10 रुपए, ठीक है। शिमला मिर्च, शिमला 250 रुपए किलो, और भिंडी, भिंडी भी 250। भाई रेट तो माशाल्लाह इनके मुनासिब, रेट अभी माशाल्लाह बहुत मुनासिब हुआ है। हाँ, बाहर तो ज्यादा ही है। मैं एक एक चीज के तो आपको रेट बताऊंगी नहीं, आप लोग अगर बाहर से लेने वाले हैं तो आपको पता होगा रेट क्या चल रहा है। अभी टमाटर के रेट ले लेते हैं, काफी अच्छे यहाँ पे टमाटर मुझे नजर आ रहे हैं। खान आप बताइए यहाँ पे टमाटर के क्या रेट है। टमाटर जो है ना, एक लंबा टमाटर है, ये आपके मिलेगा 1250 का पेटी, पेटी पेटी में एक किलो का क्या हिसाब होता है। 17.5 किलो वजन है जी, 17.5 किलो वजन है, 1.5 किलो पेटी काटो 16 किलो बच गया। अभी तो कैलकुलेटर निकाल के हिसाब लगाओ कितने का पड़ेगा। 80 रुपए का हिसाब पड़ता है, 80 रुपए किलो टमाटर। देख लें टमाटर कितना अच्छा है, ये देखें होल सेल रेट है, ये देख लें। ये टमाटर आप लेके जाएंगे तो मेरे ख्याल में एक हफ्ता भी आपका चलेगा। अरे सब परचून जब आप ले जाते हैं ना, दाना दाना चाण के, बाहर 100 रुपए किलो मिलेगा। बाहर मैंने 160-180 का रेट लिया है, तो आप लोग देख लें कि कितना फर्क है यहाँ पे। तो क्या ये खुली हरामखोरी नहीं है, मैं हर बात में बोलूंगी, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे।